अब जो है ऊपर से जा रहा है बटर, और बटर भी देख रहे हैं कि न्यूट्रल लाइट वगैरह नहीं यूज़ हो रहा है, एक्चुअल अमूल जो है वो यूज़ अमूल है, अमूल हमेशा यही यूज़ होता है, एक ही ब्रांड, कोई कंपरमाइज नहीं। टोटल वीडियो में आपका देखता हूँ भैया, बहुत अच्छा लगता है। ये जो है ऊपर से गया भाजी मसाला और कश्मीरी मिर्च, ये कश्मीरी मिर्च है, ये चीनी का फुहारा, ये क्या था, चीनी, वाह ये आ गया टमाटो केचप, ऊपर से गया धनिया, स्पीड देखिए बस भाजी को बनाने का, और सेट करके गया फटाफट चाट मसाला गया, और इधर जो है पाव लगातार निकल रहा है, लगातार बटर जो है वो लगाया जा रहा है, ये पूरा जो पतीला है इसके अंदर बटर रखा हुआ है। दो जगह एक जगह, अभी हम लोग हैं रामगढ़ में, और रामगढ़ में एक ऐसे चीज़ का वीडियो बनाने आए हैं जिसका आज तक पहले कभी भी हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं है। आज हम लोग कवर करने आए हैं रामगढ़ के एक पाव भाजी स्टॉल को। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, और हमारा फर्स्ट वीडियो है ये पाव भाजी का, क्योंकि पाव भाजी कहीं अच्छा मिलता ही नहीं है, पटना में भी कोई खास पाव भाजी का कोई स्टॉल नहीं है, उसके अलावा जहाँ भी हम लोग हैं कुछ ऐसा पाव भाजी का मिला नहीं, बट रामगढ़ जब आएँ पूछे कि यहाँ किस चीज़ का वीडियो बनाया, किस शॉप को कवर किया जाए, तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं आलोक जी, वो बताएं कि पाव भाजी जो है वो यहाँ का मस्ट ट्राई है ना। यस सर, मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम लोग एक चीज़ की बात करें कि जो फेमस हो पूरे रामगढ़ में, तो वो है ये पाव भाजी। हाँ सर, गोपाल पाव भाजी नाम है यहाँ का। अच्छा। बहुत फेमस है। और एड्रेस क्या बताते हैं यहाँ का? यहाँ चट्टी बाजार से, ये गोला रोड, यहाँ पे बगल में एक बिग शॉप है उसी के जस्ट बगल में। और इधर जो भीड़ है ये देखिए, ये ऐसे जो है लाइन लगा हुआ है, इधर पूरा ये घेराबंदी किया हुआ है, इसके अंदर किसी को जाना अलाउड नहीं है, और चारों तरफ जो है लोग खड़े हैं पाव भाजी के इंतजार में। उधर का नज़ारा भी बहुत हसीन सा लग रहा है, बटर बटर जो है पाव पे लगाया जा रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो ओनर है उनसे थोड़ा बात करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो भाजी वाजी बन रहा है उसका मेकिंग थोड़ा आपको दिखा सकते हैं। इधर देख सकते हैं कि पाव को सेका जा रहा है, इस तरह से लगातार जो है पाव को सेका जा रहा है। इधर जो है हम फटाफट से भाजी जो है निकल रहा है, पाव जा रहा है भाजी वाले प्लेट में, उधर जो है सर्व हो रहा है। सामने आप देखिए कस्टमर लोग, हर तरफ कस्टमर आपको दिख रहे होंगे पाव भाजी के लिए। टोटल वीडियो में आपका देखता हूँ भैया, बहुत अच्छा लगता है। और यहीं के रहने वाले, रामगढ़ के रहने वाले? नहीं, रहने वाले तो हमारा के हैं। अच्छा। और हम लोग यहाँ पे बहुत सालों से यहाँ पे हैं। तो रामगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है भैया? यहाँ पहले तो गोपाल भैया का यहाँ पे गोपाल पाव भाजी सबसे फेमस है रामगढ़ में। हाँ, और दादा का चौमीन जो अभी हाल में वो डेट किए हैं, सबसे फेमस ये पाव भाजी है। हाँ जी, यहाँ पे पाव भाजी में सबसे बेस्ट है। ये भीड़ जो है, ये भीड़ देख के ही हम लोग को लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब हर जगह कस्टमर जो दिख रहे हैं और एकदम रफ्तार के साथ जो है पाव भाजी निकाल रहे हैं ना। हो गया गोपाल भैया? इधर जो है कटलेट वटलेट भी जो है यहाँ मिलता है, तो कटलेट को फ्राई किया जा रहा है, बट मेनली जो है हम लोग आए हैं पाव भाजी खाने के लिए। मेन क्राउड भी जो है पाव भाजी का ही दिख रहा है। 300 दो बड़ा चाप ले, चले दो गोपाल घर चढ़ाएगा। बड़े कहाँ का, दोनों बड़े कहाँ का बर्गर? कंटिन्यूसली आ रहा है, इधर भाजी निकल रहा है, ये देखिए इधर जो है पाव वाव सेट करके गया फटाफट चाट मसाला गया, और इधर जो है पाव लगातार निकल रहा है, लगातार बटर जो है वो लगाया जा रहा है, ये पूरा जो पतीला है इसके अंदर बटर रखा हुआ है। दो जगह एक जगह, हम लोग आ चुके हैं कार्ट के अंदर में, किस रफ्तार से काम हो रहा है ये आप देख सकते हैं, रोड तक जो है हमको गाड़ी वाड़ी पार्क किया हुआ दिख रहा है पाव भाजी के लिए। और भैया ये कौन सा आइटम बनाने पाव? बर्गर बन रहा है भैया। अच्छा, ये बर्गर हो गया जी, मतलब तवे पे बर्गर बनाते हैं? डेढ़ प्लेट देना। हाँ, काफ़ी बिजी है, पाव भाजी है, चाउमीन है, मंचूरियन है, बर्गर है, कटलेट है, इतना सारा आइटम रखते हैं जी। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये तवा बर्गर बन रहा है, नीचे ब्रेड जो है वो डाले हैं, ऊपर कुछ चटनी डाले हैं, और क्या कटलेट डाले हैं इसमें? हाँ, ये वाइट वाला क्या हो गया? ये वाइट पोस्ता की चटनी है। अच्छा, पोस्ता का चटनी जो है वो गया है, इधर जो है वो गया है सलाद, इस तरह से अरेंज किया जा रहा है, और फटाफट से जो बर्गर है वो तैयार हो गया। तो भाजी अभी बनने वाला है आपका? हाँ, भाजी बनेगा, भाजी बनेगा तो हम लोग दिखाएंगे सारा बनाने का प्रोसेस। हमारा भाजी बनना स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले भैया डाले थे रिफाइंड ऑयल। हाँ, रिफाइंड ऑयल में गया है प्याज। प्याज यहाँ का जो स्पेशल सा भाजी है उसका मेकिंग आपको दिखाते हैं। सबसे पहले गया है तेल में प्याज, एकदम ताज़ा ताज़ा जो है धनिया जो है कटना स्टार्ट हो गया पाव भाजी, भाजी में डालने के लिए, भाजी में का जान होता है एक तरह से समझ लीजिए धनिया भी। बहुत हाई स्पीड से काम हो रहा है, बहुत हाई इंटेंसिटी का काम हो रहा है। बीच में इधर जो आ रहा है पाव, पाव का पूरा ढेर लगा हुआ है, हर कोई बिजी। ये क्या हो गया भैया? ये मसाला,
ये कौन सा भाजी मसाला? हाँ ये जो है ऊपर से गया भाजी मसाला और कश्मीरी मिर्च। ये कश्मीरी मिर्च है, ये चीनी का फुहारा है। ये क्या था? चीनी। वाह ये आ गया टमाटो केचप, ऊपर से गया धनिया। स्पीड देखिए बस भाजी को बनाने का। भैया का पाव कहाँ नहीं पैक कर रहा? कौन है? पंद्रह बीस मिनट लगेगा बनेगा। ये क्या भाजी? हाँ ठीक है। ये वाले में क्या क्या था भैया जो अभी डाले हैं उसमें? इसमें मिक्स किया हुआ सब्जियाँ सब है, आलू और सब्जी सब मिक्स है। हाँ सारे सब्जी में से फ्रेश बीन है, गाजर है, गोभी है। एक तरह से समझिए जो फाइनल टच है वो दिया जाता है यहाँ शॉप पर, तड़का जो है वो लगाया जाता है, बाकी का काम जो है गलाने का सब्जी का काम पहले से करके लाते हैं। आलू जो है बाकी जो भी वेजीज वगैरह यूजुअली पड़ता है भाजी में वो सब पहले से डाला हुआ था, यहाँ फाइनल टच जो है वो दिया जा रहा है, तड़का लगाया जा रहा है। इधर जो है भाजी हो चुका है तैयार, बगल में ही ये पतीला रखा हुआ है जिसमें कि भाजी को शिफ्ट करते हैं और बस बन जाए फिर उसमें सीधे डाल देना है। ऊपर से जा रहा है बटर, और बटर भी देख रहे हैं कि न्यूट्रल लाइट वगैरह नहीं यूज़ हो रहा है, एक्चुअल अमूल जो है वो यूज़ अमूल है, अमूल हमेशा यही यूज़ होता है, एक ही ब्रांड, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ऊपर से क्या गया ये चाट मसाला? हाँ ये गया एक डब्बा चाट मसाले का, ये गया दूसरा डब्बा चाट मसाले का। अब जाएगा थोड़ा सा और धनिया, बस भाजी हो गया तैयार। क्या रेट होता है एक प्लेट का? 70 रुपया दो पाव। हाँ कटिंग करके चार पीस। अब जो है फाइनली भाजी हो चुका है तैयार, बस उसे निकाला जा रहा है उधर पतीले में, और इतने जितने देर में भाजी बना उस उतने ही देर में आप इधर भीड़ देखिए, लोग का जो है लाइन लग चुका है पाव भाजी के लिए इतने देर में ही। यहाँ जो है अलग से एक आदमी अलॉटेड है, सिर्फ उनका काम है पाव में बटर लगाना, बट पाव को काटना, बस वो चीज़ यहाँ चल रहा है। अब जो है हम लोग एक प्लेट अपना निकलवाएंगे पाव भाजी और टेस्ट करके आपको बताएंगे टेस्ट यहाँ। तो इधर हमारा जो पाव भाजी का प्लेट है वो आ चुका है, काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल था, एकदम गर्माहट वाला एहसास वहाँ हो रहा था, कैसे कैसे हम लोग खड़े होकर शूट किए और इधर जो अपना प्लेट लेकर आए। पाव भाजी तो इनका टेम्पटिंग लग ही रहा है, साथ ही साथ जो कटलेट बना रहे थे या जो बर्गर बना रहे थे वो भी काफ़ी सही से लग रहा था, मतलब इतना बड़ा साइज़ का एक बर्गर जो है वो बनाया जा रहा है और इस रफ्तार से काम कर रहे हैं। कॉमेंट करके बताइए आप लोग इतना क्राउड इससे पहले कहाँ पर देखे हैं किसी भी पाव भाजी के कार्ट पर। भाजी जो है इधर देखिए, देख के लग रहा है कि थोड़ा मसालेदार होगा, चाट मसाला का पूरा इस्तेमाल भाजी को बनाने में भी, ऊपर में गार्निशिंग में भी, और ये जो ये हो गया पाव, पाव में कोई बहुत बटर नहीं लगाया गया है, ठीक ठाक सा पाव लग रहा है। ये लेते हैं पाव, ये लेते हैं भाजी थोड़ा सा प्याज के साथ, और ये आपको बताते हैं टेस्ट करके। रेट है 70 रुपये। ये पाव भाजी शो ऑफ वाला नहीं है कि भर के जो बटर है वो डाल दिए, पूरा आपको बटर तैरता हुआ भाजी पे दिख रहा है तो उससे आपका टेस्ट बढ़ गया, वो सब चीज़ यहाँ नहीं हो रहा है। जो रियल चीज़ होना चाहिए वो चीज़ हो रहा है। दो बटर के टिक्की डाले हैं पूरे तवे के, पूरा तवा में भाजी था, दो बटर के टिक्की डाले हैं जो कि पाव भाजी के हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई एक्सेस बटर ऊपर में यूज़ नहीं किया गया है कि बटर टिक्की डाल के दे दें, बहुत ज़्यादा बटरी सा कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। पाव में भी हल्का फुल्का है, मतलब हल्का पाव में बटर लग सकता था, टेस्ट आया था, बट ठीक है ये भी ठीक है। पहला केक जो आया वो आया चाट मसाले का, एकदम चटपटा सा जैसा हम गेस किए थे, चाट मसाले का बहुत सही टेस्ट। उसके बाद जो आया बाकी का मसाला वसाला अपना यूज़ किए हम, उसका स्वाद स्पाइसी है, ये फीका फीका वाला भाजी नहीं है जो आमतौर पर पटना में मिलता है, ये स्पाइसी है। चाट मसाला था, थोड़ा ऊपर भी चीट के दिए, थोड़ा हावी हो रहा है इस पर, बढ़िया स्वाद आया, मज़ा आया खा के, वर्थ है। 70 रुपीज़ आप पे कर रहे हैं और इतने भीड़ में खड़े हैं, वर्थ है।
भाजी, हर एक सब्जी जो है प्रॉपर वो खड़ा खड़ा आपके मुंह में नहीं आएगा, एक जो है जैसा होना चाहिए भाजी का कंसिस्टेंसी, जिस तरह से सब्जी गला हुआ होना चाहिए वैसा टेस्ट। ऊपर में जो तड़का लगाए हम वो मेन जो खेल है वो कर रहा है, मेन जो स्वाद है वो दे रहा है। करते हैं वीडियो, हमारा ये पहला पाव भाजी का वीडियो था, पाव भाजी पसंद है बट मिलता नहीं था अच्छा, इसलिए वीडियो बनाते नहीं थे, आज बनाए मज़ा आ गया खा के। ख़त्म करते हैं, रामगढ़ के हैं, आके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।